आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे गाइस, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। हमें क्या करना है, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम को पहले स्टेटमेंट देना है उसकी और फिर उसको प्रूव करना है। तो पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है, पहले एक पार्टिकल की बात करते हैं, टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। मतलब पार्टिकल पे जो भी वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है उसके इक्वल होगा। अब बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम में बोल रहा है टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सिस्टम। मतलब क्या, इसमें क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस भी होते हैं सिस्टम में और एक्सटर्नल फोर्सेस भी होते हैं। तो दोनों का जो कंबाइंड वर्क होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, के ई फाइनल जो भी सिस्टम का है और के इनिशियल जो भी सिस्टम का है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब इसको प्रूव करते हैं। तो अभी एक अब सिनेरियो देखो, हमारे पास स्पेस में कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये एफ एक वेरिएबल फोर्स है, हमने अपने बॉडी पे एफ फोर्स लगाया और इसको डिस्प्लेस करा पॉइंट ए से पॉइंट बी में। पॉइंट ए पे इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी एट ए, और पॉइंट बी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो हमें प्रूव क्या करना है, दैट वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के ई बी माइनस के ई ए। ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, अब बात करते हैं वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन जो ए बी होगा, एफ एक वेरिएबल फोर्स है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स ए मतलब पोजीशन एट ए से पोजीशन एट बी तक जाने में एफ डॉट डी एक्स, ये लिखेंगे। अब बात करते हैं एफ हमारा क्या होता है, एफ हमारा क्या होता है एम ए, किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं क्योंकि एफ एक वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, मास तो हमारा सेम ही रह रहा है। इसको हम लिख सकते हैं एम, एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी बाई डी टी। ऑल्सो हम जानते हैं कि हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से एक चीज हम कर सकते हैं, डी एक्स को लिख सकते हैं वी डी टी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम f को पुट करेंगे एम डी वी बाई डी टी अपने इक्वेशन में और v को पुट कर सॉरी dx को पुट करेंगे v dt, वो करते हैं। तो f को हम लिख देंगे एक्स ए एक्स बी, एफ को हम लिख देंगे एम डी वी बाई डी टी और dx को हम लिख देंगे v dt। dt dt हम कैंसिल कर सकते हैं। तो और एक बात देखो, अब हमारी जो ये इंटीग्रल इक्वेशन है वो v में आ गई तो हमें लिमिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो एक्स ए यानी पॉइंट जब पोजीशन एट ए पे वेलोसिटी कितनी थी वी ए, तो हम इसको कर देंगे वी ए टू वी, पॉइंट बी पे थी वी बी इंटू एम वी डी वी, ये हमारा इक्वेशन बन गया। m तो हमारा कांस्टेंट है तो वो हम बाहर ले सकते हैं। एंड नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट वी डी वी फ्रॉम वी ए टू वी बी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा हमारा एम वी स्क्वायर बाई टू फ्रॉम वी ए टू वी बी। लिमिट्स पुट करते ही ये हो जाएगा एम वी बी स्क्वायर बाई टू, या इसको हाफ लिख लेते हैं, माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। क्लियर, लिमिट्स हमने सिर्फ पुट किए। ये हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट बी, और ये क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी एट ए। ये था हमारा वर्क डन बाय ए बी। सो हमें यही प्रूफ करना था, हमने कर दिया इसको प्रूफ, तो हम लिख देंगे प्रूफ। आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।